नेशन 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माण की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शुभ हाथों से पहले ईंट रखे हैं। प्रदेश में हर्षोल्लास थी, खुशियां थी, जोश था और राम के प्रति गहरी आस्था अपने चरम पर थी। लेकिन उसी पर हमारे देश के कुछ विपक्ष, कुछ देशद्रोही गद्दारों ने राम मंदिर का जमकर विरोध भी किया। ये विरोध देश के बाहर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों ने किया। लेकिन वहीं पर एक बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर आ रही है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर ने रामलला के लिए जो आस्था दिखाई है उससे देश के गद्दारों को, वामपंथियों को, विरोधियों को, कुछ दोगले हिंदुओं के मुंह पर करारा तमाचा लग रहा है कि देखिए एक पाकिस्तानी देश का क्रिकेटर नागरिक कैसे रामलला के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है और वाकई में वो सच्चा राम भक्त है। न कि यहाँ पर जो आज दोगले हैं, जो हिंदू वोट बैंक के लिए उन्होंने राम की प्रशंसा की है, वो लोग जो आज तक राम पर सवाल खड़े करते आए हैं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते आए हैं, उन लोगों ने आज राम पर प्रशंसा की है, राम पर ट्वीट किया है। आज ऐसे लोगों पर तमाचा लगेगा मेरी इस वीडियो में। मैं अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर करें। बता दें, भारत में हिंदुओं की धर्म नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी, भूमि पूजन किया। उधर पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने राम मंदिर को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की। कनेरिया ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे अयोध्या जरूर आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। कनेरिया ने टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि वो एक हिंदू हैं, भगवान राम के भक्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। कनेरिया ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे लिए यह एक धार्मिक स्थान है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से अयोध्या आना चाहूँगा। मैं एक समर्पित हिंदू हूँ और हमेशा भगवान राम के दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ। एक ट्वीट दिख रहा दिनेश कनेरिया का, देखिए दिनेश कनेरिया लिखते हैं कि फॉर अस इट इज़ अ रिलीजियस प्लेस एंड इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई वुड डेफिनेटली लाइक द टू बिकम द अयोध्या। आई एम द डिवोटेड हिंदू एंड आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द पैथ शो बाय लॉर्ड रामा। वो लिखते हैं कि यह एक धार्मिक स्थान है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर अयोध्या आना चाहूँगा, भगवान राम बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। बता दें कि हाल ही में 39 वर्षीय कनेरिया ने पाकिस्तान टीम पर भेदभाव के आरोप लगाए थे। कनेरिया कुछ समय पहले तक अचानक से चर्चा में आ गए जब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बताया था कि इस गेंदबाज के साथ कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटरों का बर्ताव अच्छा नहीं था। अख्तर ने दावा किया था कि कनेरिया के हिंदू होने की वजह से उनके साथ कुछ क्रिकेटर खाना भी नहीं खाते थे। इसके बाद कनेरिया ने भी सामने आकर अख्तर की बातों में हामी भरी थी, पाकिस्तान क्रिकेट पर भेदभाव का आरोप भी लगाया था। बात करें कनेरिया के क्रिकेट कैरियर की तो वे पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम से खेलने वाले दूसरे हिंदू थे। उन्होंने कुल 79 अंतर्राष्ट्रीय मैच, 61 टेस्ट, 18 वनडे मैच खेले। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 261 और वनडे में 15 विकेट चटकाए थे। बात करें अगर कनेरिया के क्रिकेट करियर की तो वाकई में क्रिकेट कनेरिया एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को अपने जीवन में बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ ही नहीं दिया बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट में वो ख्याति प्राप्त की, लेकिन हिंदू होने के नाते उनके साथ भेदभाव होता रहा, उनको दरकिनार करते रहे क्रिकेटर। कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा भेदभाव होता रहा कि वो हिंदू हैं और उनके साथ खाना भी नहीं खाया जाता था। ये स्थिति थी पाकिस्तान में हिंदू क्रिकेटर की। जब एक क्रिकेट लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी इस तरीके के भेदभाव का शिकार हो सकता है तो सोचिए आम हिंदू की वहाँ पर क्या स्थिति होगी, क्या औकात होगी। उस देश में जहाँ राम के नाम पर कत्लेआम होता है, राम को मानने वाले का सर कलम कर दिया जाता है, उस देश में जहाँ पर राम
मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, देवी देवताओं के मंदिरों को खंड खंड कर दिया जाता है, ऐसे देश के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में अगर क्रिकेटर ये कहे कि मुझे राम में बहुत भक्ति है और मैं रामलला के दर्शन करना चाहता हूँ, जबकि 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में काला दिवस मनाया गया, ऐसे देश में अगर क्रिकेटर ऐसी बात करता है तो ये बात दर्शाती है कि बहुत ही श्रद्धा है राम के लिए दिनेश कनेरिया के मन में, और वो श्रद्धा कहीं ना कहीं दिखाती है कि एक भक्त दुनिया के किसी कोने में रहे, कितने भी बड़े राक्षसों के बीच में रहे, कितने भी बड़े आतंकवादियों के बीच में रहे, अगर उसके अंदर भक्ति है तो भक्ति को दिखाएगा जरूर, दर्शाएगा जरूर, और उसकी भक्ति छलकेगी जरूर। और यही हाल आज दिनेश कनेरिया का हुआ, जबकि उनके इस ट्वीट से, उनके इस राम भक्ति से कनेरिया को बहुत नुकसान भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है, उन पर हमले भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी इच्छा व्यक्त की। लेकिन अगर बात करते हैं हिंदुस्तान के लोगों की, तो हमारे हिंदुस्तान के लोग इतने गद्दार हैं, इतने दोगले हैं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपने इष्ट देवता श्री राम को भी गाली देने से नहीं चुकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम उनसे नाराज हो जाएगा। लेकिन चाहे मुसलमान का आम आदमी हो, चाहे मुसलमान कोई नेता हो, वो इस्लाम को बड़े गर्व से मानता है, अल्लाह को बड़े गर्व से नाम लेता है, लेकिन वहीं पर दोगला हिंदू कभी भी मुसलमान नाराज ना हो जाए इसलिए वो कभी भी किसी भी भगवान का नाम नहीं लेता। ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम सेकुलर हैं, हम आपके अल्लाह को ज़्यादा मानने वाले हैं, लेकिन हम अपने राम को नहीं मानने वाले हैं। ये अच्छी बात है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। आप अल्लाह को, मेरे विपक्ष से एक सवाल है कि आप अल्लाह को मानते हैं, आप चर्च किसी को मानते हैं, मानिए अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप किसी और के मानने के चक्कर में, किसी और को इज्जत देने के चक्कर में आप अपने अस्तित्व को मिटा दें, किसी और को बाप बनाने के चक्कर में आप अपने बाप को ही भुला दें। कुछ लोगों को ये बात कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन यह सच है कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपने जननी का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं होगा। जिस मिट्टी ने आपको जन्म दिया है, जिस देश ने आपको इस ओहदे पर पहुँचाया है, आपको दो वक्त की रोटी दी है, अगर आप उसके नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस खबर को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।